वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन, वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 14, इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 2। सो इन आवर फर्स्ट वीडियो, जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग इसके जो मेन टॉपिक्स हैं तीन वो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने माउंटेनस रीजन के बारे में पढ़ लिया था, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया था और हमने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन्स। दैट इज, जैसे कि प्लेन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कल, दैट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो उत्तर भारत में जो प्लेन रीजन है उसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे सी कोस्ट के बाजू में, जो सी कोस्ट पे जो प्लेन है उसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू इज सराउंडेड बाय नैरो बेल्ट ऑफ प्लेन्स फ्रॉम कच्छ टू ओडिशा। इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्ट कोस्ट प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू केरला, एक्सेप्ट इन गुजरात द प्लेन इज मोस्टली नैरो। इट इज वेरी मच अनडाइल्यूटिंग एंड इज नोन एज मलाबार कोस्ट टू द साउथ ऑफ गोवा। वेस्ट कोस्ट रिवर हैव डेवलप्ड क्रीक्स एट देयर एस्टुअरीज, मोस्ट ऑफ दीज क्रीक्स आर सबमर्ज्ड वैलीज अंडर रिवर वाटर। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ सी शोर। It provides favorable condition for fishery. There are many natural ports on the western coast, which include Mumbai, Mamgoa. Backwaters have developed along the southern coast of Kerala, and these are known as Kayal in local language. East coast plain is much broader than the west coast plain. There is substantial alluvial deposition in the deltas of Kaveri, Krishna, Godavari, and Mahanadi. Its northern coast is known as North Sirkar coast and Tamil Nadu coast is known as Coromandel coast. तो ये जो coastal plains है इसके बारे में हम पहले तो आपको मैं लेकर चलता हूँ इंडिया के मैप के ऊपर, आपको ये दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये plains हैं। अब देखिए, हमने जो first देखा था कल के वीडियो में कि ये जो green part आप देख रहे हो, this is the northern plain, ये उत्तरी उत्तर भारत का plain region है। वैसे ही coastal plains की बात की गई है, तो coastal plain मतलब ये area जो यहाँ गुजरात से शुरू होता है और ये पूरा, देखिए आप मेरे कर्सर को देखिए और नीचे जाते हुए पूरा भारत की बाउंड्री के साथ साथ ये ओडिशा तक फैला हुआ है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि पूरा वी शेप जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन। यानी कि आपको जो ये पार्ट दिख रहा है ये गुजरात से शुरू होता है ऐसे और इस तरह ये ओडिशा तक जाता है, तो पूरा ये कोस्टल प्लेन है और ये इस तरीके से इसके बाउंड्री, यानी कि एकदम नज़दीक में जो ये छोटा सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा जो है इसी को हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ है थोड़ी कम है और यहाँ पे इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है। ये देखिए आप, यहाँ पर विड्थ काफ़ी कम दिखाई दे रही है आपको और यहाँ पर थोड़ा ग्रीन पार्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, यानी कि पूरा जो है हमारा कोस्टल प्लेन है, इसका जो ये पार्ट है इसको हम मलाबार कोस्ट कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको मलाबार कोस्ट कहा जाता है और ये कोंकण है हमारा। और जैसे हम इस तरफ आते हैं यानी कि ईस्ट की तरफ जाते हैं, ये थोड़ा चौड़ा है ज़्यादा और ये जो पार्ट है इसको देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सिरकार। यानी कि ये पार्ट इतना जो है इसको नॉर्दर्न सिरकार कहा जाता है, यानी कि ओडिशा से लेके यहाँ तक का पार्ट। और जो पार्ट तमिलनाडु के पास का है उसको तमिलनाडु के पार्ट के पास को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहते हैं इसको? कोरोमंडल कोस्ट। और ये जो नदियां हैं आप यहां देख रहे हैं, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये जो नदियां हैं ये अपने साथ, कावेरी ये रही देखिए, तो ये सब जो अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, वो एलुवियल सॉइल यहां पर जम गई है और इसी कारण ये बना है। यानी कि ये कोस्ट जो है इसका बनने का कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द एलुवियल सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स लाइक कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एट्सेट्रा, तो इनके कारण ही कोस्ट हमारा बना है और ये भी काफ़ी उपजाऊ है, यानी कि यहाँ पे भी खेती बहुत अच्छी की जा सकती है। अब दोनों में फ़र्क इतना है कि जो ये कोस्ट है हमारा कोस्ट जो वेस्टर्न साइड में, जो हमारा वेस्टर्न साइड का कोस्ट है यानी कि जो गुजरात साइड का है वो थोड़ा कम चौड़ा है और ईस्ट साइड में जाते हैं तो वहाँ पर चौड़ाई बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर नाम आपने देखा, यहाँ पर एक है नॉर्दर्न सिरकार कहते हैं हम इसको और दूसरा पार्ट जो अभी हमने देखा
जो मैंने आपको टिक करके बताया मैप के अंदर, जो अपर पार्ट है उसको नॉर्थ वेस्ट सिरकार कहते हैं, और नीचे का पार्ट है तमिलनाडु के कोस्ट के पास को, उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। और ये जो एरिया है, अब यहाँ पर बताया गया है कि द वेस्ट कोस्ट प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू केरला, ये गुजरात से केरला तक का पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट इधर से ऊपर से आता है गुजरात से शुरू होता है और केरला तक जाता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोस्ट, वेस्ट कोस्ट। और जो तमिलनाडु से शुरू होता है और ओडिशा तक जाता है इसको हम कहते हैं ईस्ट कोस्ट। और इसमें बताया गया है कि ये जो पार्ट है इसको मलाबार कोस्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मलाबार कोस्ट भी कहते हैं। टू द साउथ ऑफ गोवा, गोवा के साउथ में, यानी कि यहाँ पर गोवा आप जानते हैं मैप के अंदर गोवा यहाँ कहीं आएगा, तो गोवा के नीचे का जो पार्ट है इस पार्ट को मलाबार कोस्ट भी कहते हैं। और ये जो एरिया है लगभग, ये कोस्ट जो है ये ज़्यादातर, यानी कि पार्ट जो है वो सी के अंदर डूबा हुआ है, यानी कि ज़्यादातर पार्ट मतलब ये नैरो सी के अंदर डूबा हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर फिशरी के लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन है, यानी कि फिशरी आप मतलब मछलियाँ पकड़ने के लिए काफ़ी एक अच्छी जगह है ये। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ नेचुरल पोर्ट्स भी हैं, यानी कि नेचुरल पोर्ट्स इस एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी भारत के, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मुंबई जो कि एक बहुत बड़ी पोर्ट है, मार्म गोवा, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। बैकवाटर्स हैव डेवलप्ड अलॉन्ग द सदर्न कोस्ट ऑफ केरला, केरला के आप साउथ में अगर आप केरला के पास में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बैक वाटर्स मिलेंगे। बैक वाटर्स का मतलब यहाँ पर कि सी से इधर जो पानी आ जाता है हाई टाइड के समय, और जब लो टाइड होता है तो पानी वापस चला जाता है, लेकिन वो पानी वापस नहीं जाता है, तो ये पानी हमेशा यहाँ पर रुका रहता है। तो ये जो बैक वाटर्स हैं इनको यहाँ पर केरला की लोकल भाषा में नाम दिया गया है कायल, तो ये लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कायल। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? केरला के सदर्न पार्ट के अंदर, साउथ कोस्ट ऑफ केरला, अलोंग द साउथ कोस्ट ऑफ केरला, केरला के कोस्ट के बाजू में। तो ये हमारे कोस्टल प्लेन्स। तो सिंपल कोस्टल प्लेन्स हमारे कौन से हैं? ये जो एरिया आप देखते हो वी शेप में, इसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये कोस्टल प्लेन है, ये हमारा कौन सा साइड है? ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। तो ईस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं और ये कम चौड़े हैं, और बाकी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी जो भी दी गई है हमने देख लिया है। अगला हमारा टॉपिक है आर्किपेलगस। आर्किपेलगस का मतलब होता है, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है आइलैंड्स। आर्किपेलगस का मतलब होता है आइलैंड्स। आइलैंड का मतलब जो पानी, जमीन का हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, इसको हम कहते हैं आइलैंड। तो आप देखते हैं कि भारत का जो सदर्न पार्ट है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ना कि चार पार्ट से। तो तीन तरफ से जो घिरा होता है उसको हम कहते हैं पेनिनसुला, और जो चारों तरफ से घिरा होता है उसको हम बोलते हैं आइलैंड। तो भारत के अंदर कुछ आइलैंड्स भी हैं जिनका कल मैंने आपको उल्लेख किया था, बॉटम पार्ट में दिखाया था मैंने, अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं, फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ये भारत के आइलैंड्स के कुछ ग्रुप्स हैं। देर आर मैनी स्मॉलर आइलैंड्स इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और ये केरला के कोस्ट के पास में हैं, थोड़ा दूरी पर ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर स्थित हैं, कहाँ पर हैं ये? बे ऑफ बंगाल में। द नंबर ऑफ आइलैंड्स इज ऑल्सो मोर, और यहाँ पर आइलैंड के नंबर यानी कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और ये इंडियन कोस्ट से थोड़ा दूरी पर स्थित हैं। देर आर फ्यू माउंटेन रेंजेस ऑफ विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज, यहाँ पर कुछ माउंटेन रेंजेस भी हैं, कुछ पहाड़ भी हैं, जो कैसे बने हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। वॉल्केनिक एक्टिविटी मतलब वॉल्केनो के फटने से। दीज आइलैंड्स आर स्प्रेड ओवर 350 किलोमीटर्स, ये आइलैंड्स जो हैं लगभग 350 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, एंड हैव अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए एक बार इनके ऊपर नज़र मार लेते हैं हम लोग फिर से एक बार, कि ये आइलैंड्स कौन कौन से हैं हमारे, अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो एक बार फिर आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा हमारा इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो ये पार्ट आप देख रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, दीज ऑल आर ग्रुप ऑफ आइलैंड। अभी हमने मलाबार कोस्ट के बारे में बात की, तो दिस इज द मलाबार कोस्ट, आप देखिए केरला के साथ साथ। तो ये जो डॉट्स देख रहे हैं, दीज ऑल आर द लक्षद्वीप आइलैंड्स, और ये भारत का हिस्सा है। वैसे ही हम जब बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं, और ये भी भारत का एक हिस्सा है, और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर स्थित हैं। तो ये जो दोनों तरफ आप आइलैंड्स देख रहे हैं, ये भारत का ही एक हिस्सा है, और ये भारत के मतलब
भारत का एक हिस्सा है, भले थोड़ा दूर दिखाई देता है हमको, और मेरे ख्याल से मैप पे तो इनको देखना भी पॉसिबल नहीं है, देखिए कितने डॉट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया इसमें। अब आपको बताया जाए कुछ और जानकारी आइलैंड्स के बारे में, तो भारत के अंदर एक एक्टिव वॉल्केनो है और वो कहां पर है, बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार आर्क, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर ये एक बैरन आइलैंड है जो कि आज भी एक्टिव है। नारकोंडम विच इज वेरी नियर टू इट इज अ डॉर्मेंट वॉल्केनो, और इसके पास में ही एक और वॉल्केनो है जिसका नाम है नारकोंडम, और ये जो है ये एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, यानी कि ये एक्टिव नहीं है, लेकिन जो बैरन आइलैंड के अंदर जो वॉल्केनो है अंडमान निकोबार के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि वो कभी भी फट सकता है भविष्य के अंदर। तो ये हमारे आइलैंड्स के बारे में एक जानकारी थोड़ी सी आपको दी गई है। देन आगे देखते हैं अभी हम, दस देर इज अ डाइवर्सिटी इन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा, तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि भारत की जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग तरह के यहाँ पर लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पर मतलब सब कुछ काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। आप देखिए पहाड़ी इलाके भी हैं, प्लेन रीजन्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, प्लेटू भी है, तो इस तरह की डाइवर्सिटी भारत के अंदर देखने को मिलती है। अब इसके बावजूद भारत के पास ये डाइवर्सिटी के बावजूद भारत जो है एक समृद्ध देश है, एक बहुत ही यूनाइटेड देश है, भले इतनी तरह की फिजियोग्राफी है, तरह तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, तरह तरह की भाषाएं भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक यूनिट इन डाइवर्सिटी शो करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। नाउ ऑल ऑफ देम हैव इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया एंड आर यूजफुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। अब भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स भी कहा जाता है, ग्रेन्स का स्टोर हाउस इसको कहा जाता है, किसको, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं। सदर्न प्लेटू इज रिच इन मैनी मिनरल रिसोर्सेज। सदर्न प्लेटू जो है उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि देश की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही काम आते हैं। बहुत सारी रिवर्स हैं भारत के अंदर जिनके अंदर बहुत सारा पानी है जो कि माउंटेन्स रीजन जो है नॉर्थ में आप हमारे वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन फॉर अ वराइटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और ये नॉर्दर्न पार्ट जो है वहीं से ये नदियाँ शुरू होती हैं, और ये नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर तरह तरह के फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप पहाड़ों पर जाते हो तो अलग अलग हाइट के ऊपर आपको अलग अलग तरह के जंगल देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें बताते हैं कि किस प्रकार से भारत जो है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। होल्ड रखिएगा बेटा, हेलो, नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रॉक। रॉक के बारे में देखते हैं अभी। अ कंपोजिट मैटर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक। रॉक्स कैन बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट, दे कैन बी पोरस और नॉन पोरस, एंड कैन बी लाइट और हैवी इन वेट। वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस। रॉक्स कैन बी डिवाइड इंटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। अब रॉक किसको कहेंगे, रॉक मतलब एक तो रेसलिंग में भी आपने देखा होगा द रॉक आता है, हम उस रॉक की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रॉक जो पत्थर रहता है। ये पत्थर यानी कि आपके आजू बाजू सड़कों पे गलियों में जो यूज होते हैं सब पड़े हुए देखने को मिलते हैं हमें, दीज आर द रॉक्स। तो ये जो रॉक्स हैं ये रॉक्स किसको कहते हैं, हम इसकी डेफिनेशन क्या लेंगे। तो रॉक जो है वो एक पत्थर का ऐसा टुकड़ा जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स भी हो सकते हैं उसको रॉक कहते हैं, यानी कि रॉक की डेफिनेशन क्या रहेगी, एक ऐसा टुकड़ा, एक मैटर का ऐसा टुकड़ा जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं, अब रॉक्स उसको कहते हैं हम। और रॉक जो है वो हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, इट मे बी पोरस या फिर नॉन पोरस भी हो सकता है, इट मे बी लाइट और हैवी, अलग अलग तरह के रॉक्स हमको देखने को मिलते हैं। और ये सब रॉक्स जो हैं वो अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा बनते हैं। रॉक्स को अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें तो इनकी तीन कैटेगरीज होती हैं, और वो हैं इनकी फॉर्मेशन के बेसिस पे, जैसे कि पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि रॉक्स हैं ये तीन तरह के रहते हैं, इग्नियस, स्ट्रेटिफाइड और मेटामॉर्फिक।
अब इग्नियस के अंदर भी इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, देन वेल्केनो, प्लूटोनिक, हाइपरबसल, तो ये बहुत सारे इसमें अलग अलग तरीके से इन्होंने बताए हैं हमें अलग अलग तरह के रॉक्स। अब हम पहले रॉक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इग्नियस रॉक। द इंटेंस हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स। द इंटीरियर ऑफ अर्थ रिमेन्स वेरी हॉट ड्यू टू दिस हीट। सो द मैटर हेयर इज इन सेमी लिक्विड स्टेट विच इज कॉल्ड एज मैग्मा। इवेंचुअली वेन दिस मैग्मा कूल्स डाउन रॉक्स आर फॉर्म्ड। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट, हैंस दीज आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ दीज रॉक्स वर फॉर्म्ड अर्लीस्ट, सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। अब इग्नियस रॉक को हम कैसे बनते हुए समझ सकते हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो पहले अर्थ जो है, अर्थ का इंटीरियर पार्ट जो है, बाहर अर्थ का जो अंदर का पार्ट है वो बहुत ही गर्म है, ये आप जानते हैं, बहुत गर्मी है अंदर। और इस गर्मी के कारण जो अंदर जो भी मैटर है वो सब लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और यहाँ पर बताया गया सेमी लिक्विड स्टेट में, यानी कि पूरे तरीके से वो तरल यानी कि लिक्विड नहीं है लेकिन सेमी लिक्विड है, सेमी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और ये जो अंदर चीज है जो भी सेमी लिक्विड स्टेट में है, इसको हम कहते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं इसको हम? मैग्मा। और मैग्मा जो है वो जब ठंडा हो जाता है तो पत्थर बन जाता है, यानी कि जब ये अंदर से थोड़ा बाहर की तरफ आके ठंडा होने लगता है तब ये जमकर क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है, और इसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। इसका नाम इग्नियस इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये गर्मी के कारण बनता है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट, गर्मी के इफेक्ट के कारण ये बनता है, इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है इग्नियस रॉक, जिसको हम हिंदी में अग्नेय रॉक भी कहते हैं। और ज़्यादातर जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो इसी रॉक से शुरू हुई थी बनना, यानी कि ये जो रॉक है ये सबसे अर्लीस्ट रॉक है, सबसे पुराना रॉक है, इसलिए इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देखते हैं हम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया, इन जगहों पर ये रॉक्स पाए जाते हैं। और इग्नियस रॉक्स आर मोस्ट सॉलिड ऑफ ऑल रॉक्स। सब रॉक्स में से सबसे ज्यादा सॉलिड अगर कठोर कोई मिलता है तो इग्नियस रॉक ही है। ग्रेनाइट जो है इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, आपने सुना ही होगा, किचन्स के अंदर लगाया जाता है ग्रेनाइट जो है, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। फिर इसके अलावा बसाल्ट जो है वो भी इसी टाइप का एक रॉक है। बसाल्ट और ग्रेनाइट, ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इग्नियस रॉक के बनने का कारण क्या बताया? गर्मी, अर्थ के अंदर जो गर्मी है वो। दूसरी तरह का रॉक जो है वो है स्ट्रेटिफाइड रॉक। इग्नियस रॉक्स डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ वाटर एंड अदर फोर्सेस। इग्नियस रॉक जो है वो टूट जाता है, कैसे टूट जाता है? वाटर और दूसरी फोर्सेस, दूसरी ताकतों के कारण वो टूट जाता है। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज सेडिमेंटरी रॉक्स। इन रॉक्स को सेडिमेंटरी रॉक्स भी कहा जाता है। द ब्रोकन रॉक मटीरियल इज कॉन्स्टेंटली डिपॉजिटेड इन वाटर एंड दे फॉर्म लेयर्स। और ये जो टूटा हुआ जो रॉक्स रहते हैं, अब देखिए पहले तो हम समझते हैं इग्नियस रॉक बन गया हमारा। अब इग्नियस रॉक जो है, जब ये रॉक इग्नियस रॉक जो है वो कैसे बनते हैं, हमने देख लिया कि जो लावा है जमीन, जो अर्थ के अंदर जो मैग्मा है उसके उसके जमने से बनते हैं इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक जो है जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है कि वो टूटते हैं। अब वो टूटते कैसे हैं? वैसे तो मैंने बताया कि बहुत ही स्ट्रांग रॉक है, सबसे स्ट्रांग यही होते हैं, तो ये टूटते कैसे हैं? ये टूटते हैं वाटर, गर्मी और सर्दी के द्वारा। आप जानते हैं कि जब रॉक्स हैं, पत्थर जो है, ये गर्मी और सर्दी के कारण कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, और इस प्रकार ये घूरते रहते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े इनके टूटते रहते हैं। इन टुकड़ों को के जमने से ये रॉक बनता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक। द ब्रोकन रॉक मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली डिपॉजिटेड इन वाटर एंड दे फॉर्म लेयर्स। अब ये जो टूटा हुआ रॉक है यानी कि इग्नियस रॉक, थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है, भुरने लगता है, और वो जाकर पानी में जम जाता है, और पानी में उसके जमने से ऊपर लेयर 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 जमती रहती है और वो हार्ड हो जाता है। और ये जो लेयर जो जमने के बाद ये प्रेशर के कारण एक रॉक में बदल जाती है, और ये जो रॉक है इसी को हम स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें
जिप्सम, लाइमस्टोन, कोल, ये सब जो हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के ही एग्जांपल हैं। और जिप्सम जो कि बिहार से मिलता है और झारखंड स्टेट से ये हमें मिलता है, तो यानी कि इग्नियस रॉक से बनता है स्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। इन सर्टेन पेक्युलर कंडीशंस द फॉर्म, कंपोजिशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स आर टोटली चेंज्ड ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रॉक स्ट्रेटा। द इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स चेंज इनटू अ टोटली न्यू फॉर्म। दीज न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो हमारे इग्नियस रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स थे, जब इनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर काम करता है, यानी कि जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बदलाव आता है या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, उस समय ये दोनों रॉक्स जो हैं, इग्नियस और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ये दोनों अपना रूप बदल कर एक नया रूप ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसकी एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो वह है मार्बल और क्वार्ट्ज़ाइट। ये दोनों ही राजस्थान में आसानी से मिल जाते हैं और ये दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक का एक रूप है। तो कुल मिलाकर अगर देखने जाएं तो मेन जो रॉक है हमारा प्राइमरी रॉक, वो है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक से ही बनता है स्ट्रेटिफाइड रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक से ही बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये तीनों चीजें होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हम कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मिनरल। मिनरल के बारे में पढ़ेंगे अभी। मिनरल इज दैट मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू द नेचुरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड हैज अ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। अब मिनरल हम बोलते हैं किसको, ये नेचुरल ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बनता है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस से भी बन सकता है और आर्टिफिशियली भी बन सकता है, और इसकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो स्पेसिफिक रहती हैं। मिनरल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये जो मिनरल्स हैं धरती के नीचे से भी मिलते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं या फिर गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। मिनरल्स डिपेंड ऑन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मिनरल्स किस प्रकार के हमको कहाँ से मिलेंगे, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर। मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर, ये हमें ज़्यादातर मिलते हैं इग्नियस रॉक्स के अंदर। कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस, ये हमें मिलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में से, जबकि स्लेट, मार्बल, डायमंड, ये मिलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में से। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब हम बात करेंगे मिनरल्स को क्लासिफाई करने की। हमारे डेली लाइफ के अंदर हम लगभग 200 मिनरल्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करते हैं। कितने मिनरल्स, 200। अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इज नॉट पॉसिबल। अब पूरी वर्ल्ड में जो चीज एक्सेप्ट की जा सके, ऐसे हम मिनरल्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने जनरल क्लासिफिकेशन जरूर की है। अब जनरल क्लासिफिकेशन कैसे की गई है वो हम लोग देखते हैं। पहला बताया गया इसको क्लासिफाई करने के लिए मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि ऐसे मिनरल्स जो मेटल फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरा है नॉन मेटेलिक और तीसरा है एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स की। मेटेलिक मिनरल्स में भी इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया। पहला प्रेशियस मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा। दूसरा लाइट मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम। तीसरा मिनरल्स ऑफ जनरल यूज जैसे कि आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, यानी कि हम कॉमनली यूज करते हैं जो वो। और चौथा है मिनरल्स यूज एज एलॉयज, एलॉयज के रूप में जो मिनरल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि एलॉयज मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, मिनरल्स को मिक्स कर देते हैं, तो एक तीसरा नए प्रकार का एक मेटल तैयार होता है जिसको हम एलॉय कहते हैं। तो एलॉय जो है वो है क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वैनेडियम एटसेट्रा। दूसरा जो है वो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये सब मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कौन से हैं, लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टोस, माइका, फ्लोरस्पर, जिप्सम, सल्फर, डायमंड, ये सब जो मैंने भी नाम लिए ये सब मेटल्स नहीं है, दे आर द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और लास्ट तरह के जो मिनरल है वो है कोल, एनर्जी रिसोर्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि कोल हो गया, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा, ये सब जो है ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पर एक आप चार्ट देख रहे हैं जिसमें मेजर मिनरल्स एंड देयर स्पेशल, देयर पार्शियल
डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पर ये मिनरल्स के नाम दिए गए हैं और ये भारत के किस किस हिस्से में पाए जाते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आपको हर एक मिनरल की कम से कम दो स्टेट तो याद कर लेनी है ताकि आप एग्जाम्पल में यूज कर सकें। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी। अब सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ के देखते हैं। वी नो दैट सॉइल इज द बेसिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। बिसाइड्स एग्रीकल्चर सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल जो है खेती के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा बहुत दूसरे भी काम है जिसमें हम सॉइल का यूज करते हैं। सॉइल एक थिन लेयर फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ द ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सर्फेस के ऊपर है सबसे पहली बात। सॉइल कहाँ है? सर्फेस के ऊपर। अब ये जो सॉइल जो है ये बनती कैसे है? ये बनती है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर से बनती है। सॉइल रिलेटेड टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द सेम वे एज द एप्पल विद इट्स स्किन। जैसे एप्पल के ऊपर स्किन होती है, एप्पल के ऊपर छिलका होता है, उसी प्रकार से सॉइल जो है वो हमारी अर्थ के सर्फेस के ऊपर चिपकी हुई है। थिन लेयर ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो जो पतली लेयर जो ऊपर ऊपर की लेयर है उसको हम सॉइल बोलते हैं। जैसे कि आप अंदर जाएंगे तो अंदर तो आपको मैग्मा मिलेगा। नेक्स्ट सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल बनती कैसे इसके बारे में देखते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि सॉइल बनती है डीन्यूडेशन ऑफ रॉक्स से। किससे बनती है? इट इज फॉर्म्ड बाय द डीन्यूडेशन ऑफ रॉक्स। बड़े बड़े रॉक्स, जो रॉक्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एटसेट्रा, इग्नियस रॉक, इनके डीन्यूडेशन से। डीन्यूडेशन का मतलब इनके भुरने से, इनके टूटने से, इनके डिस्ट्रॉय होने से। अब बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि आप देखेंगे टेम्परेचर, रेन, स्नो, एयर, वेजिटेशन, इंसेक्ट्स, ये सब क्या करते हैं? ये इन पत्थरों को पाउडरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यानी बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये पाउडर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर। आपको बता दें कि जो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फूल जाते हैं, जब मौसम ठंडा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फिर हवा से, बारिश से, पानी से, फिर कभी कभी उनके अंदर दरारें पैदा हो जाती हैं, दरारों के अंदर इंसेक्ट्स रहने लगती हैं, इंसेक्ट्स जब उसके अंदर आना जाना करती हैं, उसको काटती हैं, तो वो दरार बड़ी हो जाती है, फिर कभी कभी उस दरार में से कोई पौधा उगने लगता है। इस तरीके से जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं ये पाउडरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। Does it forms the land layer? और जब ये पाउडरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो पानी के साथ बहकर ये नीचे स्थानों पे, निचले स्थानों पे जाकर जम जाते हैं और लेयर बना देते हैं लैंड की। इन दिस लेयर देर आर ग्रेवल्स, स्मॉलर स्टोन्स, पेबल्स, सॉइल पार्टिकल्स एटसेट्रा विच आर नोन एज रेगोलिथ्स। अब ये जो मिट्टी है, आप कहीं भी जाके हाथ लगाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? उसमें छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, पेबल्स, पेबल्स बोलते हैं वो राउंड राउंड पत्थर होते हैं जो नदियों के किनारों पे पाए जाते हैं राउंड वाले, फिर सॉइल के पार्टिकल्स, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इन सब चीज़ों को यूनाइटेडली हम कहते हैं रेगोलिथ। क्या कहा जाता है इनको? रेगोलिथ। इट कंटेन्स ओनली मिनरल कंटेंट्स। इनके अंदर मिनरल कंटेंट्स होते हैं। देन द बायोटिक मैटर, एयर एंड वाटर आर मिक्सड विद इट। फाइनली सॉइल इज फाउंड आउट ऑफ दिस मिक्सचर। और इसके साथ बायोटिक और बायोटिक मैटर यानी कि जो लिविंग मैटर है, फिर एयर, वाटर एटसेट्रा, जब वो मिक्स हो जाते हैं तो एक मिक्सचर बन जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अब आपको ये भी बताया जाए कि जो सॉइल फॉर्मेशन है, अब किसी पहाड़ को टूटने में कितना टाइम इसमें लगेगा, आप खुद सोच सकते हो। ये ऐसा तो है नहीं कि वो थोड़ा धूप निकली और वो टूट कर मिट्टी बन गया। नहीं, इसमें हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, तो बहुत बड़ा ज़्यादा समय इसमें लगता है। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल। अब भारत में जो सॉइल के टाइप्स हैं वो छह तरह की सॉइल भारत में पाई जाती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फिगर के द्वारा, इसके द्वारा बताया गया है कि कौन सी सॉइल किस एरिया में पाई जाती है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पहला टाइप का सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक खादर और एक बांगर। जो फ्रेश सॉइल है, नई सॉइल है, उसको खादर सॉइल बोलते हैं, और जो पुरानी सॉइल रहती है उसको बांगर बोलते हैं। As this soil is formed due to river flood, it is mostly found nearby the rivers. अब जो फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो बाढ़ के साथ आपने देखा होगा कि मिट्टी बहकर भी आती है, तो मिट्टी जो बहकर आती है वो नई मिट्टी होती है, यानी कि वो खादर सॉइल होती है। तो ज़्यादातर ये नदी के किनारों पे पाई जाती है खादर सॉइल। जनरली सच सॉइल इज सैंडी, एक सैंडी सॉइल होती है, रेतीली होती है। सॉइल कंटेनिंग ओल्ड एलुवियम इन द अपर वैली रीजन ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड बांगर। जो ऊंचाई वाली जगह है जहाँ पर पुरानी सॉइल जमी हुई है पहले से आके, उसको हम कहते हैं बांगर सॉइल। पुरानी सॉइल बांगर और नई सॉइल खादर। अब एलुवियम क्या है?
एल्यूवियम मतलब उसी से इसका नाम पड़ा है, एल्यूवियल सॉइल, यानी कि एक एल्यूवियम यानी कि जो मिट्टी है उसी को एल्यूवियल सॉइल कहा गया है। एलुवियम मतलब पार्टिकल्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो नदियां बहाकर अपने साथ लाती हैं। और ये कैसी होती हैं? इट इज स्टिकी एंड हैज डार्क कलर। डार्क कलर की होती है और स्टिकी चिपचिपी होती है। एलुवियल सॉइल पूरे देश में हमारे ज्यादातर पार्ट में पाई जाती है और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। सबसे बेस्ट सॉइल अगर बात की जाए तो एलुवियल सॉइल होती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और मोस्टली नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे जो है इसी चैप्टर में जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, तो ज़्यादातर जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो एलुवियल सॉयल से ही बने हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एट्सेट्रा। तो ये जगहों के जहाँ नाम लिया हमने इन सब जगहों पर ये सॉयल पाई जाती है। ब्लैक सॉयल इज गिफ्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ब्लैक सॉयल किसने दी है हमको? इट इज़ बिकॉज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के कारण ये हमको मिली है, यानी कि ये पेनिनसुलर प्लेटू की देन है। दिस सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड फर्टाइल। ये बहुत ही स्टिकी होती है और बहुत ही फर्टाइल होती है। इट कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। इसके अंदर ह्यूमिडिटी यानी कि पानी जो है वो लंबे समय तक इसमें रह सकता है, टिक सकता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस रॉक से मिलकर से बनती है एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। आपने कॉटन के बारे में पढ़ा होगा। कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन उगाने के लिए ये सॉइल बहुत ही काम की है। इसी कारण से इसको ब्लैक सॉइल के साथ साथ ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कॉटन आसानी से उगता है और अच्छा उगता है। और इसको एक और नाम दिया गया है, वो है रेगर सॉइल। तो आपको तीन नाम इसके मिल चुके हैं, ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रेड सॉइल। रेड सॉइल के बारे में हम देखते हैं कि रेड सॉइल कैसे बनती है। सच सॉइल इज फाउंड इन रीजन्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं उन एरियाज के अंदर ये सॉइल देखने को मिलती है। इसका कलर कैसा होता है? जिसके नाम दिया गया है रेड सॉइल, उसका कलर भी कैसा होता है? रेड होता है। इसका कलर रेड होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर फेरस होता है। फेरस मतलब आयरन होता है, लोहा होता है इस वजह से। और इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट भी होता है, यानी कि ह्यूमस यानी कि एक तरह से जो इसको मिट्टी को उपजाऊ बनाता है वो कंटेंट भी इसके अंदर होता है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। सॉइल इज पोरस एंड फर्टाइल। सॉइल कैसी है? पोरस होती है, यानी कि इसके अंदर से आसानी से पानी रिस सकता है और ये फर्टाइल भी होती है। ये कहाँ पाई जाती है? गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर ये पाई जाती है। लेटराइट सॉइल की बात करते हैं। लेटराइट सॉइल जो है ये एक्सेसिव एरोजन के कारण बनती है। किसकी वजह से बनती है? एक्सेसिव एरोजन बाय रेन। जब बहुत बारिश हो जाती है तो बारिश के पानी के साथ ये मिट्टी बहकर आ जाती है, इरोजन, सोइल इरोजन होता है, जो इस कारण से लेटराइट सॉइल बनती है। ड्यू टू हैवी रेन द ह्यूमस कंटेंट फ्रॉम द टॉप सॉइल डिसेंड्स इनटू द लोअर स्ट्रेटा व्हिच इज कॉल्ड लीचिंग। अब ज्यादा बारिश के कारण जो टॉप सॉइल रहती है, ऊंचाई वाली जगहों की जो टॉप सॉइल है, यानी कि ऊंची जगहों से पानी कहाँ जाता है? लोअर प्लेसेस के अंदर, लोअर स्ट्रेटा के अंदर, नीचे वाले इलाकों की तरफ। इस प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, दो दिन पहले, तीन दिन पहले काफ़ी बारिश हुई तो बड़े बड़े डैम्स खोल दिए गए। पानी जो है ऊंचाई वाली जगहों से ढलान वाली जगहों की तरफ बहता है, तो अपने साथ मिट्टी भी तो बहा कर ले जाता है पानी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इसको कहते हैं लीचिंग। एज द सॉइल कंटेंट्स लेस ह्यूमस इट इज़ लेस फर्टाइल। इसके अंदर जो सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस कैसा होता है? कम होता है, इसीलिए ये फर्टाइल भी कम होती है। ह्यूमस ज्यादा तो फर्टिलिटी ज्यादा, ह्यूमस कम तो फर्टिलिटी कम। द रेड सैंडस्टोन कंटेन्स आयरन। ये जो सॉइल है इसके अंदर आयरन होता है और एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। द इरोजन ऑफ दीज रॉक्स रिजल्टेड इन इट्स रेड कलर। इनके कारण ही इसका रंग भी रेड होता है, इसलिए इसको रेड सॉइल की तरह इसका रंग भी डार्क होता है। सच सॉइल इज फाउंड इन माउंटेनस रीजन। ज्यादातर माउंटेन्स में पाई जाती है, जैसे डेक्कन, कर्नाटक, केरला, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट के अंदर। अगला हमारा टॉपिक है माउंटेनस सॉइल। माउंटेनस सॉइल जो है उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के कारण। ऑल्दो इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन अलग अलग जगहों पे ये ह्यूमस कंटेंट भी अलग अलग देखने को मिलता है। सच सॉइल ऑन शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज जो हमने भी पढ़ा था कल के टॉपिक के अंदर, शिवालिक रेंज जो है वो कम फर्टाइल होती है वहाँ पे जो सॉइल है, क्योंकि वो लेस डेवलप्ड होती है। द सॉइल इज सैंडी। सॉइल कैसी होती है? सैंडी होती है, पोरस होती है। पोरस मतलब उसमें से पानी आसानी से रिस सकता है, पानी आसानी से आर पार हो सकता है, इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता है।
सच सोल इज फाउंड इन द माउंटेन रीजन ऑफ द कंट्री सच एज, ये कहाँ पाई जाती है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, देन ईस्टर्न हिल रेंजेस, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा, तो ये इन जगहों पे पाई जाती है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल की बात की जाए, सच सॉइल इज फाउंड इन अरिड एंड सेमी अरिड रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, ऐसे एरिया जो कि अरिड, यहाँ की बिल्कुल शुष्क, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है या फिर एवरेज बारिश होती है, उन जगहों पर ये देखने को मिलती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब हरियाणा के कुछ पार्ट्स। सॉइल जो है ये ज़्यादा अल्कलाइन होती है एंड हैज लेस ह्यूमस कंटेंट, इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम होता है। एग्रीकल्चर इसके अंदर किया जा सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इरीगेशन के द्वारा। इरीगेशन मतलब आप देखिए सैंड है, रेत, तो रेतीली मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा चाहिए, तो इरीगेशन प्रोसेस को बढ़ाकर यानी कि ज़्यादा पानी देकर यहाँ पर खेती पॉसिबल हो पाई है। तो पंजाब हरियाणा खासकर जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर इस सॉइल के अंदर खेती भी की जाती है। खेती की जाने का रीज़न क्या है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ का बड़ा ज़्यादा होना, वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, इस कारण से वहाँ पर खेती आसानी से होती है। तो हमने देखा कि भारत के अंदर किस प्रकार से लैंडफॉर्म्स अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं, मिनरल्स तरह तरह के पाए जाते हैं, सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। विच पासेज आर लोकेटेड इन द हिमालयन सिस्टम, हिमालयन सिस्टम के अंदर कौन कौन से पासेज हैं, मैंने आपको बताया था दून बोलते हैं जिसको, पास या दून, वो कौन से हैं आप पढ़ के लिख सकते हैं। वॉट इज रेगुलेट, इसकी डेफिनेशन भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी शायद, तो ये भी आप लिख सकते हैं। विच आर द मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के टाइप बताने हैं और उनको हमें एक्सप्लेन करना है। सॉइल फॉर्मेशन जो पत्थरों पहाड़ों के टूटने से बनती है, फिर यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, डिपोजिशन मतलब जमना एक दूसरे के ऊपर आकर लेयर टू लेयर, बांगर मतलब कौन सी सॉइल होती है, पुरानी सॉइल, फिर मिनरल्स आपको बताया मैंने भी क्या होता है, रॉक्स हमने देखे क्या होते हैं, फिर हमने देखा सॉइल भी क्या है वो भी हमने अभी देखा, तो ये सब चीज़ें हम अभी कर चुके हैं। आगे देखें कुछ और क्वेश्चन आंसर्स के दिए गए होंगे। यस, आर्कपेलागस ऑफ इंडिया यानी कि आप भारत के जो हमारे आइलैंड्स हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से आइलैंड्स हैं भारत के अंदर, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, स्टेट द टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के टाइप्स बताने हैं और डिटेल में उसके बारे में लिखना है, यानी कि जो छह तरह की सॉइल पड़ी है वो, मिनरल्स को क्लासीफाई करना है, लाइट मिनरल्स, हैवी मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एक्सेट्रा, तो ये सब तरीके से आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या है इस चैप्टर के अंदर, ये ट्रू एंड फॉल्स हैं और दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब हम कल शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर। होप यू एंजॉयड, आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।